भाई 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 ऑल ऑफ यू लेफ्ट एक बार लेफ्ट में एक बार इधर से इधर सेंटर मारो उसको तुमने इस चीज के लिए आते ही मारा वेट भी नहीं किया पता है इसको मैं ऑलरेडी पाया था नहीं थी मैं इनके गेस्ट लिस्ट पे थी एक सेकंड पहले मैंने मैसेज और गेस्ट लिस्ट पे थी मेरे का चलेगा मुझे आ गया इनवाइट नहीं किया है साथ में आइए यू डिड नॉट ओके सब आपके यू डिड नॉट बता अरे ऑफ कोर्स बिकॉज़ आई नीड टू मैच हम फोटो खींच रहे हैं देखो इनको साथ में पकड़ लीजिए मैम लेफ्ट मैम लेफ्ट अरे बेटा सामने देखो ना सीढ़ी में बैठ जाएंगे बहुत अच्छी फिल्म है कसम मेरे को 500 रुपये नहीं है मैंने मान ले रही है 50 लाख चाहिए मैं क्या एक आदमी इधर चाहिए सर उठाने अरे भाई भाई रुक जा एक मिनट रुक जा भाई रुक जा अरे रुक जा महा कसम आग लगा दी है भाई इसने तो भाई आग लगा रहा है अरे वो अरे देख रहे हैं आप किस खड़ा है वीडियो ले रहे हैं उस पे सेट कर रहे हैं एक मिनट रुक जा एक मिनट ए इसलिए अभी कर ले भाई that kind of thing. Thank you. Thank you. Left center.
On your left, all of you. Go. एक अच्छे फोटोग्राफ दे तो यहाँ से पापी देना वहाँ से पापी देते भी तेरे जाओगे कुछ नहीं बोला सर सामने देखिए चालू का चल दिया था नहीं इसका नाम है और एक वकील की कहानी है और लॉयर हैं और छोटी जगह के और कैसे एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ एक अत्याचार हुआ है उसका शारीरिक शोषण हुआ है उसका वो साथ देते हैं उसको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं ये उसकी कहानी है सिर्फ एक बंदा काफी जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं खास करके मीडिया के सारे लोगों ने एक के बाद एक पूरा सोशल मीडिया भर रहा है इतना प्यार दे रहे हैं वो लोग कल 23 तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि पूरे देश के लोग और जो भी हमारे देशवासी या लोग जो देखते हैं हमारी हिंदी फिल्में बाहर में भी देखें और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बहुत ही सुंदर फिल्म जो अपूर्व सिंह कारकी ने बनाई है उसको आपके सामने लेके आते हुए इस बार आप जो वकील के अंदाज में आप आने वाले हैं ऐसे कंट्री के किसी ऐसे वकील से इंस्पायर्ड हैं आप या वर्कशॉप किया नहीं देखिए मेरे बहुत सारे वकील दोस्त हैं तो उनके साथ में हर तरीके के कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगह जाना आना हुआ है तो उसके लिए मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ज़िंदगी में इतनी बार उनके साथ जा कर के सारे प्रोसीडिंग्स देखे हैं तो वो तो था ही वो अनुभव था और उस और बाकी ये जो किरदार है वो उसकी रिसर्च बहुत अच्छी थी तो उस रिसर्च को पढ़ के जान के ज़्यादा से ज़्यादा इसको रियल बनाने की कोशिश की है लेकिन ये फिल्म ऐसी है कि जो हर किसी को समझ आएगी हर किसी के दिल को छू जाएगी खास करके लड़कियां जो हैं बच्चे जो हैं वो ज़रूर देखें इस फिल्म को बहुत सारे ट्रू इवेंट्स हैं घटनाएं हैं सच्ची बहुत सारी उन सबको लेकर के इसमें मिलाया है हमने बनाया है पता नहीं जो भी गलत करेगा उसका पर्दाफाश होगा आप सबको शुभकामनाएं मैं चाहूँगा कि आप लोग देखिए और आप लोग जो अगर अच्छी लगती तो लिखिए और मुझ तक भी पहुँचाइए थैंक यू नमस्कार